अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मास्टर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पीटीए ने एक ऐलान किया है कि जो मोबाइल बाहर से मंगवाई गई हो और उनके आईमी पीटीए वाले से रजिस्टर ना हो या फिर जीएसएम से रजिस्टर ना हो तो वो बंद कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, परेशानी की बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह आप लोगों ने अपनी मोबाइल के आईमी मालूम करना है और किस तरह आप लोगों ने अपने आईमी को चेक करना है कि आपका मोबाइल बंद होगा या फिर नहीं, और अगर बंद होगा तो किस तरह आप लोगों ने इसको बचाना है। तो फ्रेंड्स, 20 अक्टूबर से पहले पहले आप लोगों ने ये काम करना है तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका मोबाइल कभी भी बंद नहीं होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहां पर आप ये देख सकते हो, टू फाइंड मोबाइल फ़ोन आईमी डायल *#06#, ये अपने मोबाइल से आप डायल करें तो आपका मोबाइल आपको डायरेक्टली आईमी शो करेगा। तो इसके बाद आप लोगों ने आईमी को कॉपी करना है या फिर किसी जगह पर राइट करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर पेस्ट करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो इंटर 15 डिजिट आईमी, फॉर एग्जांपल एग्जांपल भी यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है। और इसके बाद आई एम नॉट रिपोर्टर पर क्लिक करना है और चेक नाउ पर क्लिक करना है। तो अब आते हैं कि कौन कौन से मैसेज है कि अगर आपको वो मौसूल हो जाए तो आप लोगों ने क्या करना है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों ने यह आईमी भी आप इस वेबसाइट से मालूम कर सकते हो कि आपका वैलिड है या फिर नहीं। और अगर आप फिर भी नहीं जानते तो आप लोगों ने अपनी आईमी 8484 कोड को सेंड करना है। तो यहाँ पर कुछ मैसेज है कि अगर आपको ये मैसेज आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना है। अगर आपको मैसेज आ जाए कि आपकी आईमी इज़ कम्प्लेंड, तो इसका मतलब कि आपका मोबाइल बिल्कुल ओरिजिनल है और आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरे नंबर पर अगर आपको मैसेज आए डिवाइस आईमी इज़ वैलिड, अगर ये मैसेज आपको आ जाए कि आपका आईमी वैलिड है तो इसका मतलब है कि आपका सब कुछ ठीक है, लेकिन 20 तारीख से पहले 20 अक्टूबर से पहले पहले आप लोगों ने या तो कॉल करना है उस मोबाइल से या फिर SMS किसी को भी आप लोगों ने करना है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो डिवाइस, अगर आपको ये मैसेज आ जाए डिवाइस आईमी इज़ नॉट कम्प्लेंड, तो इसके बाद यहाँ पर आप ये देख सकते हो प्लीज़ इंसर्ट ऑल योर सिम्स, मतलब सब सिम आप लोगों ने अपने मोबाइल में डालना है इन दिस डिवाइस एंड यूज़ देम बिफोर 20/10/2018, मतलब 20 तारीख तक आप लोगों ने इसको कंटिन्यू यूजिंग करना है तो आपका मोबाइल बच जाएगा। इसके बाद अगर आपको ये मैसेज आए डिवाइस आईमी इज़ ब्लॉक्ड रिपोर्ट इज स्टोलन, तो अगर आपको ये मैसेज आ जाए कि आपका डिवाइस ब्लॉक हो चुका है, आपका आईमी ब्लॉक्ड हो जाएगा, तो इसके बाद आप लोगों ने डायरेक्टली अपने शनाख्त कार्ड से एक फोटो स्टेट करना है और इसके साथ आप लोगों ने अपने मोबाइल का आईमी वगैरह इसको आप लोगों ने PTA के दफ्तर को सेंड करना होगा, तो तभी आप अपने मोबाइल को बचा सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस चारों मैसेज को आप लोगों को समझ आई होगी कि किस तरह आप लोगों ने अपने मोबाइल को बचाना है। तो उम्मीद करता हूं आज की हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें और मज़ीद इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।